अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान की बेहतरीन फर्टिलाइजर कंपनियों में से एक है। आज हम बात करते हैं कि जो डिप्लोमा होल्डर्स पास हो चुके हैं या एग्ज़ाम दिया हुआ है जिन्होंने, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं FFC के वेबसाइट पर। आइए चलते हैं FFC के कैरियर पोर्टल पर। गूगल के सर्च बार में FFC टाइप करें और इंटर कर दें तो हम क्लिक करेंगे कैरियर पोर्टल पर। हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें राइट साइड पे साइन अप और साइन इन नज़र आ रहा होगा। अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है तो साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। साइन इन करें और अगले पेज पे पहुंच जाएंगे आप। लेकिन आपने अगर साइन अप नहीं किया हुआ तो हम पहले साइन अप करेंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करें। चलते हैं, साइन अप पर क्लिक करें। तुम्हारे पास एक पेज ओपन हो रहा है साइन अप का, जिसमें हम अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे जो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर होता है। जिस तरह से अपनी तरफ से कोई नाम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। उसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे ताकि हम दोबारा जब साइन इन करेंगे तो इसी पासवर्ड को दोबारा यूज़ कर। तो आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। जी, अब क्योंकि साइन अप हो चुका है तो अपना ईमेल एड्रेस साइन इन करने के लिए एंटर करेंगे और पासवर्ड, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आप मेरा नाम जो है नज़र आ रहा है और नीचे एक रेज्यूम, माई रेज्यूम नज़र आएगा और इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, टेस्ट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, अदर इंफॉर्मेशन, सबमिट योर रेज्यूम। तो ये चीज़ें हमने सारी फिलअप करनी है। सबसे पहले चलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी जिनको आपने केयरफुली रीड करना है और ताकि आपका रेज्यूम सक्सेसफुली कंप्लीट हो और सबमिट कर सकें। उसके बाद नीचे उसके जॉब प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब कैटेगरी नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप नॉन मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि मैं केमिकल से हूँ तो प्लांट ऑपरेटर पर क्लिक करूँगा। अगर मैकेनिकल के हैं तो प्लांट मेंटेनेंस मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे, और इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल पे, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट के हैं तो इंस्ट्रूमेंट पे। जी, उसके बाद नाम तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे शो हो चुका होगा क्योंकि आप साइन अप कर चुके हैं। आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। पहले मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद डे, और उसके बाद ईयर्स। फादर का नेम इंटर करेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं, तो मैरिटल स्टेटस पे। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे जी, अब जिस कंट्री से हैं
पाकिस्तान से हूँ तो डेफिनेटली पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डोमिसाइल किस रीजन से हैं, पंजाब से, फाटा से, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, तो पंजाब से हूँ तो पंजाब सिलेक्ट किया है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, या आपका जो भी होगा तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है कि आपने कभी आर्मर्ड फोर्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है या सर्विस की है वहाँ पे, अगर की है तो यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन आप देंगे कि नेम ऑफ फोर्स, उसके बाद कितना अर्सा काम किया और कहाँ से कहाँ तक, किस डेट से वो पुट करें, और उसके बाद कि आपने रिटायरमेंट लिया है तो किस वजह से, वो रीज़न देंगे। अगर नहीं है तो नो करके, उसके बाद आते हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पे, ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, अपना एड्रेस, मैंने एक्स वाई जेड पुट किया हुआ है तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो पुट करेंगे। उसके बाद कंट्री, सिटी, अगर मेलिंग एड्रेस यानी जिस पे आपके डाक आएगी तो वो आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस के साथ सेम है तो आप सेम पे टिक कर देंगे, तो इस तरह से वो एड्रेस आपका नीचे इधर आ जाएगा। कंट्री पाकिस्तान, सिटी भावलपुर, उसके बाद आपको सेल फोन नंबर देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा टिक, यानी आपकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में आप पहले हम क्या करेंगे, इंटर कर लेते हैं मैट्रिक को, यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, डिग्री मैट्रिकुलेशन यानी एसएससी ओ लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, डिग्री नेम सर्टिफिकेट एसएससी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फील्ड ऑफ स्टडी साइंस है, और आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटरेस्ट था जिस सब्जेक्ट में वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है। प्रोग्राम स्टेटस कंप्लीटेड इवनिंग में, तो उसी तरह से रेगुलर प्रोग्राम था ये मॉर्निंग में। उसके बाद स्कूल का नाम इंटर करेंगे, उसके बाद किस बोर्ड से क्लियर किया है, तो मैंने BIIC भावलपुर सेलेक्ट किया है, तो वो आप ही जो आपका बोर्ड बनेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन कब स्टार्ट हुआ, इन नाइन्थ में कब एडमिशन लिया और उसके बाद टेंथ में कब फ्री हुए, तो ये आप 2 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे। मार्क्स हैं 1050 में से आपने जितने ऑब्टेंड किए हैं वो करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं DAE पे। उसके बाद DAE का डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर आर मोर ओनली, 3 ईयर है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। DAE है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, मैं केमिकल से हूँ तो मैं केमिकल सेलेक्ट करूँगा, कंप्लीट कर चुका हूँ तो कंप्लीटेड पे। अगर आपका रिज़ल्ट वेटिंग है यानी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप रिज़ल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे। अगर के बाद रेगुलर मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते थे और रेगुलर पढ़ा है तो मॉर्निंग। उसके बाद कॉलेज का नाम लिखेंगे जी, के बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के तहत एग्ज़ाम दिया है, तो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर के तहत एग्ज़ाम दिया है तो वो आप क्लिक करेंगे, और कब एडमिशन लिया था ऑब्वियसली सितंबर में एडमिशन होते हैं, क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सितंबर से सेलेक्ट करेंगे, ईयर आप सेलेक्ट करेंगे,
एंड कब हुआ ये प्रोग्राम, तो उसके बाद वो सेलेक्ट करें मंथ और ईयर्स भी, मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं आप डायरेक्टली ये टेस्ट स्कोर। दोस्तों टेस्ट स्कोर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने एनटीएस फर्टिलाइज़र टेस्ट दिया है जो एफएफसी का पर्टिकुलर टेस्ट होता है, अगर आपने वो दिया है तो आप यस करेंगे, और यस करेंगे तो टेस्ट टाइप आपसे वो पूछेंगे कि आपने कौन सा दिया था, जनरल एबीसी या एनटीएस फर्टिलाइज़र। आपने एनटीएस फर्टिलाइज़र दिया तो फर्टिलाइज़र पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और रोल नंबर, फिर आपको पर्टिकुलर रोल नंबर और प्रॉपर डेटा, आपने वर्बल में कितने स्कोर लिए आउट ऑफ 25, तो ये ऑब्टेनिंग है, ये ऑब्टेनिंग है, ये ऑब्टेनिंग है, और टोटल स्कोर आपका कितना रहा, या फिल करेंगे और डेट पर्टिकुलर ज़रूर मेंशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इंटर्नशिप के लिए किसी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर, तो आप सिंपली नो कर देंगे और आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड नहीं होगी जो नीचे वाली एन टी एस फर्टिलाइज़र की है। तो टेस्ट स्कोर सिर्फ जो जॉब के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है, जो इंटर्नशिप के लिए दोस्त अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर बात करते हैं दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस होता है कि आपने किसी कंपनी के अंदर, पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपने एज अ वर्कर एक्सपीरियंस किया है या नहीं। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अब तक आपके पास जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप स्टिल स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं जॉब नहीं करते हैं। मगर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप अगर आप फ्रेश हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तब भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो तब भी आप इस पोर्शन को स्किप कर देंगे। मगर अगर आप एक डेढ़ साल के वर्क ग्रेजुएशन को एक डेढ़ साल हो गया है और आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर रहे थे एज अ वर्कर, एज इंजीनियर और एज अ किसी भी पोस्ट के ऊपर, और अब आप फौजी फर्टिलाइजर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखेंगे, द प्रोफेशनल इंडस्ट्री का नाम, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री थी कौन सी, मैन्युफैक्चर थी, एग्रीकल्चर थी, इलेक्ट्रिकल पावर थी कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, आपका जॉब टाइटल, सॉरी जॉब ब्रीफ, जॉब डिस्क्रिप्शन इन पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर, आपने कितने लोगों को मैनेज किया, आपकी जॉब का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक, अगर करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो आप इस पर पर्टिकुलर क्लिक कर देंगे, प्लेस ऑफ जॉब, जॉब कहाँ प्लेस थी, ग्रॉस सैलरी इन पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ आपकी कितनी थी, उसके ऊपर क्लिक करके आप सेव कर देंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज का एक्सपीरियंस है तो आप सेव करने के बाद पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप एन अदर एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, जो कि ये बटन ऑप्शन है एड एन अदर। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर, और दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेनिंग को कहते हैं इंटर्नशिप्स को, जो आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर के अंदर आप, या थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर आप कंपनीज में इंटर्नशिप करते हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। दोस्तों अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है तो आप यस करें, यस करेंगे तो ये तमाम चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आप जॉब टाइटल लिखें कि आप इंटर्नी थे, ठीक है, कौन से इंटर्नी थे, जैसे कि मैंने एफएफसी में जब की थी तो मैं इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंटर्नी था, तो ई एंड आई इंटर्नी, या सिंपली जो आपका नाम हो जैसे एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंटर्नी आप लिख दें। दोस्तों ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ये कंपनी एफएफसी है, आप एफएफसी में भी लिख सकते हो अगर आपने की है तो, मगर अगर आपने एक बार एफएफसी में कर चुके हैं तो आप सेकंड टाइम एफएफसी में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रेनीज नेम, ट्रेनर नेम जो आपका हेड था वहाँ का डिपार्टमेंट का, ईयर ऑफ ट्रेनिंग और ड्यूरेशन एंड देन सेव कर दें, ठीक है। अगर दोस्तों आपने एक से ज़्यादा इंटर्नशिप की है पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर, तो आप एक सेव करने के बाद एन अदर पर क्लिक करेंगे, सेकेंड
इंटर्नशिप की इंफॉर्मेशन देंगे, देन अनदर पर क्लिक करेंगे, देन अनदर की इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपने दो तीन पर्टिकुलर चार साल में बच्चे दो या तीन ही इंटर्नशिप कर पाते हैं, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर आपको जॉब इंटर्नशिप ऑफर्स करती हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपको सेकेंड ईयर के अंदर भी दे देती हैं। दोस्तों अब चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन के अंदर। दोस्तों ये अदर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको भी डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑनर्स अवार्ड्स एंड अचीवमेंट इफ एनी। दोस्तों आपने कहीं भी ऑनर्स अवार्ड के अंदर आपकी जो पोजीशंस हैं, स्कूल की पोजीशन है या आपके सेमेस्टर की पोजीशन है या आप किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर आपने विन किया हो, जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हों, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में हो, वर्बली नहीं कि मैंने एक तो उससे 50 रुपये की शर्त लगाई थी और मैं उससे शर्त जीत गया तो दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट तो है, मगर इस अचीवमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि आपको किसी इंडस्ट्री आपने किसी क्विज कंपटीशन में यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था और आपने वो विन कर लिया, आपने किसी रोबोटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि नस यूनिवर्सिटी के अंदर, नस इस्लामाबाद में NERC होता है और दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर DURC होता है, दाऊद यूनिवर्सिटी रोबोटिक कॉन्टेस्ट। तो अगर जैसे कि इन पर्टिकुलर अगर आपने इनके अंदर विन किया है या किसी भी पर्टिकुलर ऐसी फील्ड जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, मतलब ऑन रिकॉर्ड हो, आप उनको फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्पेशल स्किल। अब ये स्पेशल स्किल क्या होता है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट। दोस्तों आपकी पर्टिकुलर एजुकेशन से हटकर जो आपकी पर्टिकुलर स्किल्स हैं, ऐसे स्किल्स जो वाकई ही लोग कहते हैं कि यार ये स्किल है जो हर कॉमन लोग पास नहीं होती, तो उसे हम पर्टिकुलर स्पेशल स्किल कहते हैं, तो वो अपनी स्किल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। दोस्तों डिसेबिलिटी इफ एनी। दोस्तों ये डिसेबिलिटी इफ एनी का क्या मतलब? दोस्तों फॉर एग्जांपल आपकी कोई फिंगर ब्रेक हुई है, मतलब कटी हुई है, अलग हुई है, या आपका किसी लेग का मसला है, या आपकी किसी बाजू का आर्म का कोई प्रॉब्लम है, मतलब सही तरह काम नहीं कर पा रही, कोई भी आपके बॉडी का पार्ट जो काम ना कर रहा हो, डिसेबल हो नॉर्मली, तो उसे हम डिसेबिलिटी में शो कर देते हैं। अगर हम मोस्टली बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होते हैं और डिसेबल नहीं होते, तो आप नो कीजिएगा। अगर आप हैं किसी वजह से तो आप यस करेंगे, तो आपको ये दुख दर्द कहानी छोड़ जाना फील करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ और मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है। इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिकल सिविल, ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों आज का दौर ऐसा चल रहा है कि स्टूडेंट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और किसी न किसी सियासी तंजीम के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए, हर एक के अपने प्रोस्पेक्टिव या अपनी परसेप्शन के हवाले से। दोस्तों अगर आप कभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मतलब है, ऐसे नहीं किसी को थप्पड़ मारा तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो ये भी है, मगर ऑन द रिकॉर्ड बातें जो होती हैं इन जगहों पे वो फील की जाती हैं। अगर इन केस आप पर कभी छोटा या मोटा कभी भी कोई केस लागू हुआ है, NCKTA या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन FIR जो होती है, रिपोर्ट जो आपके खिलाफ बनी है, तो वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो बाद में फिर भी FFC ने या पर्टिकुलर कंपनी ने आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है और वहाँ पे निकलेंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेट इफ इन FFC इफ एनी। दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि FFC अपने रिलेटिव्स के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव नहीं है तो मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है।
reference, please enter any of two. ठीक है दोस्तों, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बात तो नहीं मगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो ट्रुथ है. कुछ दोस्त या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और कुछ लोग नहीं मानते, मैं नहीं मानता, ये नहीं होनी चाहिए, गलत है, रेफरेंस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ठीक है मगर ये रेफरेंस वो वाला रेफरेंस नहीं है, ये वो रेफरेंस है जो आप इंफॉर्मेशन दोगे और फिर आपको जॉब ऑफर करने से पहले आपको जो है पर्टिकुलर कंपनी इन पर्टिकुलर लोग से पहले पूछ लेंगे कि यार ये जो बंदा है, ये जीनियर है, आपके साथ था, आप इसे जानते हैं. क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि वो जो आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और पता चलता है कि आपने तो डिप्लोमा किया था मगर आपने अप्लाई कर दिया मैनेजमेंट एंड इंजीनियर के लिए, इससे उनका टाइम कंज्यूम होता है और कंपनीज के पास टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन जो ऊपर की फिल करने के बाद दोस्तों हम पहुंचेंगे सबमिट योर रेज्यूम के ऊपर. दोस्तों देखें ये यहाँ पर क्रॉस लगे हुए हैं क्योंकि मैंने प्रॉपर चीज़ें फिल नहीं की, मगर जब फर्स्ट चीज मैंने प्रॉपर फिल की थी तो फिर ग्रीन कलर का टिक लग चुका था. दोस्तों इन चीज़ों पर भी टिक आ जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड चीज़ें जो है आपको फिलअप करेंगे. तो दोस्तों चलते हैं लास्ट पर, नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो सबमिट योर रेज्यूम के ऊपर. दोस्तों हम सबमिट रेज्यूम के ऊपर जाएंगे तो आप अपने रेज्यूम को व्यू भी कर सकते हो. पहले आप व्यू कर लो यहाँ से, जब आप व्यू कर कैंसिल करते हैं दोस्तों. यस आई हैव केयरफुली पढ़ लिया है मैंने इस बात को, तो आप सिंपली से रेज्यूम को सबमिट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे आपने पढ़ लिया है. और उसके बाद आप जब आप एक्सेप्ट करेंगे ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा सबमिट योर रेज्यूम. तो आप सिंपली क्लिक करके अपने रेज्यूम सबमिट कर देंगे, उसका मतलब है आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया. करंटली फ़िलहाल एफएफसी ने कोई जॉब अपने एप्लीकेशन नहीं दिए तो अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल हम अप्लाई नहीं कर सकते, मगर आप अपनी प्रोफाइल जनरेट करके रखें कि जैसे ही प्रोफाइल पर फौजी फर्टिलाइजर अपनी जॉब डिक्लेयर करें, आप पहले आए पहले पाए वाले हिसाब से अप्लाई कर दें. मगर ऐसा कुछ होता नहीं है कि पहले आए पहले पाए वाले हिसाब से, कुछ नहीं होता. आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपके टेस्ट स्कोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है जो एनटीएस फर्टिलाइजर स्कोर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसके अंदर मैंने आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो. और दोस्तों अगर कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ दोस्त कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि जो है कोई भी इशू हो. दोस्तों इसी तरीके से मैं पर्टिकुलर आज कंपनीज के बारे में आपको बताता रहूँगा. एंग्रो फर्टिलाइजर है, स्लम्बरजर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने मेरा साथ दिया आपकी सपोर्ट रही तो मैं ये वीडियोज़ बनाता रहूँगा. और दोस्तों अगेन अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. दोस्तों खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच.